दोस्तों अभी मैं नींबू और पानी के साथ बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी है, आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और वीडियो को ऐसे कहीं से भी मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास नींबू है और 2 गिलास में पानी है। तो सबसे पहले मैं इस नींबू को इस गिलास में डालता हूँ और इस नींबू को भी इस दूसरे वाले ग्लास में डालता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नींबू जो है ये ग्लास के नीचे बैठ गया है। तो चलिए मैं इसे निकालता हूँ और फिर आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। तो मैंने एक नींबू को निकाल लिया और इससे भी दूसरे नींबू को निकाल दिया। अब गाइस यार सिंपली मैं 1 गिलास में नमक मिलाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं टाटा का नमक यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड का जो नमक है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और मैं ब्रांड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो इतना नमक काफ़ी है। अब मैं सिंपली इस नमक पानी को चम्मच से मिला दूँगा। अब गाइस यहाँ पे हमारा नमक पानी जो है ये वापस में मिल चुका है और जितना भी नमक बचा हुआ था वो लगभग लगभग पानी में घुल चुका है। तो चलिए अब मैं सिंपली इस नींबू को इसमें डालूंगा और ये दूसरे नींबू को इस दूसरे वाले ग्लास में। तो चलिए मैं फर्स्ट नींबू को फर्स्ट वाले ग्लास में डालता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी नींबू जो है वो ग्लास के नीचे बैठ जा रहा है। लेकिन गाइस यार इस नींबू को मैं जब इस ग्लास के अंदर डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नींबू जो है ये ऊपर तैरने लगा है। ये देखो मैं इसे डुबाने का कोशिश कर रहा हूँ पर ये नींबू ऊपर आ जा रहा है। ये देखो ये बार बार ऊपर आ जाएगा। ये देखना मैं बार बार इसे नीचे डुबाता हूँ लेकिन हमारा जो नींबू है ये देखो यहाँ पे ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नींबू को मैं बार बार डुबाने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नींबू ऊपर आके तैरने लगता है। लेकिन यहाँ पे इस नींबू को देखा जाए तो ये ग्लास के नीचे बैठ गया है। तो गाइस यार ऐसा क्यों हुआ है आपको मालूम है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये नींबू ऊपर क्यों तैर रहा है और ये नींबू नीचे क्यों बैठ गया है। गाइस यार इसका मेन रीज़न है डेंसिटी। जी हाँ, इस ग्लास में जो आप पानी देख रहे हैं इस पानी का डेंसिटी नींबू से कम है जिस वजह से ये जो नींबू है ये ग्लास के नीचे बैठा हुआ है। जी हाँ, और इस ग्लास की बात की जाए तो इसमें मैंने पानी में इसके पानी में मैंने नमक मिला दिया जिसके कारण गाइस यार इस पानी का जो डेंसिटी है नींबू से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसी कारण से गाइस यार है पानी की डेंसिटी बढ़ने के कारण जो है गाइस यहाँ पे नींबू पानी के ऊपर तैर रहा है। ये देखो, और गाइस यार मैं लाख प्रयास कर लूँ ये नींबू इस पानी के अंदर नहीं डूबेगा क्योंकि इस ग्लास के अंदर गाइस यार पानी का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और नींबू का जो डेंसिटी है काफ़ी कम है जिस वजह से ये जो नींबू है ये तैरते ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ इसी तरह का और एक्सपेरिमेंट देखने के लिए फटाक से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।